मित्रों, हमने हिंदू धर्म की कथाएं नाम से एक नया हिंदी चैनल आरंभ किया है, जो दर्शक प्राचीनतम भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में रुचि रखते हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को एक बार अवश्य देखें तथा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। पृथ्वीराज रासो नामक काव्य में यह वर्णन मिलता है कि राजा चंद्र पुंडीर की राजकुमारी चंद्रावती का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, जिसके गर्भ से सपाद लक्ष के उत्तराधिकारी रैंसी ने जन्म लिया था। हमने पूर्व की कड़ी में यह चर्चा की थी कि रैंसी एक काल्पनिक पात्र है, उस राजकुमार का नाम गोविंद था। इतिहासकारों में इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि चंद्र पुंडीर की एक पुत्री राजा पृथ्वीराज चौहान से ब्याही गई थी, किंतु राजा चंद्र पुंडीर कौन था तथा कहां का शासक था, इसका इतिहास निर्दयी काल की धुंध में छिप गया है। अजमेर के चौहानों एवं पुंडीर राजाओं का संबंध अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के समय से आरंभ हुआ था। दर्शक जानते हैं कि राजा विग्रहराज चतुर्थ राजा पृथ्वीराज तृतीय का ताऊ था। विग्रहराज चतुर्थ पहला राजा था जिसने दिल्ली एवं तराई क्षेत्र के राजाओं को पराजित करके उन्हें चौहान साम्राज्य में सम्मिलित किया था। पुंडीरों का प्राचीन राज्य पुंडरक इसी क्षेत्र में स्थित था। उसी समय से पुंडीर अजमेर के चौहानों के मित्र हो गए। पुंडीर राजपूतों का यह राज्य आधुनिक करनाल से अधिक दूर नहीं था। तराइन नामक युद्ध का मैदान भी पुंडरक के निकट स्थित था। तराइन के इस मैदान को इतिहासकार अब नरैना कहने लगे हैं तथा अनुमान है कि यह हरियाणा के पंचकूला के निकट स्थित था। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों का अनुमान है कि विग्रहराज चतुर्थ के शिवालिक अभियान में पुंडीर राजवंश का कोई राजकुमार राजा विग्रहराज चतुर्थ के साथ था। इसकी पहचान शिवालिक स्तंभ लेख में उल्लिखित सलक्षण पालदेव नामक राजपुत्र से की जाती है, जिसके निर्देशन में यह शिलालेख स्थापित किया गया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अर्ली चौहान डायनेस्टी में लिखा है कि चंद्रराज गोपाल पुंडीर का पुत्र था तथा पृथ्वीराज चौहान का सरहदी सामंत था। इसी चंद्र पुंडीर की एक पुत्री चंद्रावती का विवाह राजा पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। जैन मुनि नयनचंद सूरी ने अपने ग्रंथ हमीर महाकाव्य में लिखा है कि जब मोहम्मद गौरी ने सरहिंद के दुर्ग पर अधिकार करके निकटवर्ती प्रदेश में लूटपाट एवं मंदिरों का विध्वंस करना आरंभ किया, तब सरहिंद क्षेत्र के बहुत सारे लोग राय पिथौरा से मिलने के लिए अजमेर आए। चंद्र पुंडीर भी इन लोगों में सम्मिलित था। चंद्र पुंडीर तथा उसके साथ आए सरहिंद के निवासियों ने राजा पृथ्वीराज को एक हाथी भेंट किया तथा उसे मोहम्मद गौरी द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताया। मुस्लिम इतिहासकारों ने सरहिंद के इस दुर्ग को तबर हिंद कहकर संबोधित किया है। मोहम्मद गौरी ने तबर हिंद का दुर्ग चौहानों के किलेदार से छीनकर अपने विश्वस्त काजी जियाउद्दीन को दिया था तथा उसके अधीन एक छोटी सी फौज तबर हिंद में रखकर गजनी को चला गया था। राजा पृथ्वीराज को चंद्र पुंडीर तथा अन्य लोगों की बात सुनकर मोहम्मद गौरी की कार्यवाही पर बड़ा क्रोध आया। उसने 3,000 हाथियों एवं कई हजार अश्वारोहियों की सेना लेकर सरहिंद के लिए कूच किया। दिल्ली का राजा गोविंद राय भी राजा पृथ्वीराज के साथ था। यद्यपि इस युद्ध में चंद्रराज पुंडीर की भूमिका के बारे में कोई विवरण नहीं मिलता, तथापि
तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से चंद्रराज पुंडीर भी इस युद्ध में पृथ्वीराज के साथ रहा होगा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद्र पुंडीर राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा संयोगिता के हरण के समय कन्नौज की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। चंद्र पुंडीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र धीर पुंडीर उसका उत्तराधिकारी हुआ। वह बड़ा बलवान और वीर योद्धा था। धीर पुंडीर ने कांगड़ा के राजा हाहुली राय का सिर काटकर पृथ्वीराज चौहान को अर्पित किया था। चंद्र पुंडीर के पौत्र पावस पुंडीर और उसकी सेना ने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था और अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया था और युद्ध के मैदान में ही अपने प्राणों का बलिदान किया था। राजा चंद्र पुंडीर तथा उसकी पुत्री चंद्रावती के बारे में इतिहास में केवल इतनी ही जानकारी मिलती है। हालांकि पृथ्वीराज रासो में इसी चंद्रावती के गर्भ से रेणसी नामक पुत्र के जन्म लेने की बात कही गई है, जबकि इतिहासकार इस पुत्र का नाम गोविंदराज मानते हैं तथा उसे पृथ्वीराज का एकमात्र पुत्र मानते हैं। यह अपने पिता के समय में ही सेना का संचालन किया करता था। हम्मीर महाकाव्य में भी पृथ्वीराज के पुत्र का नाम गोविंदराज बताया है। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने पृथ्वीराज के किसी भी पुत्र का उल्लेख नहीं किया है। पृथ्वीराज रासो में रैंसी, गोविंदराज, बलभद्र भरत, अक्षय कुमार, जोध एवं लाखन भी पृथ्वीराज चौहान के पुत्र बताए हैं। अगली कड़ी में देखिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रानी पद्मावती की इतिहास कथा।